हे गाइस, वेलकम टू द लॉजिकल टॉकर। आपको ये जरूर पता होगा कि ग्रेविटी हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। ग्रेविटी के कारण ही हम इस अर्थ पे बने रहते हैं। वो सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं इस अर्थ पे बने रहते हैं, यानी इस अर्थ में रहते हैं। ग्रेविटी के कारण ही हमें हमारा वेट मिलता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्रेविटी के बिना पॉसिबल नहीं है। पर आपने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि क्या होगा अगर 5 सेकंड के लिए कोई भी नेचुरल थिंग गायब हो जाए, या फिर क्या होगा 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए, या फिर 5 सेकंड के लिए सन गायब हो जाए। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या होगा अगर ग्रेविटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। तो इसके कारण सबसे पहले अच्छी चीज ये होती कि हम सभी को 8th, 9th, 10th, 11th और 12th में ग्रेविटेशनल लॉ नहीं पढ़ना पड़ता। हमें उस कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता जो कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि वो कष्ट है। ये तो होगा ये बात पढ़ाई की, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारी रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या इफेक्ट होंगे। तो जितने भी हम समुंदर देखते हैं, जितनी भी हम नदियां देखते हैं, जितने भी हम तालाब देखते हैं, उन सभी के पानी ऊपर आसमान में चले जाएंगे, जिसके कारण होगा क्या, हमें पानी की कमी हो जाएगी और हम पानी की कमी से भी मर सकते हैं। दूसरी चीज, हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, जैसे कि पत्थर, गाड़ियां, मॉन्यूमेंट्स जो रखे हुए हैं, वो सारी चीजें आसमान में चली जाएंगी और अर्थ पे ज्यादा चीजें बचेंगी नहीं। अब जो चीजें हमारी अर्थ पे हैं और वो किसी न किसी चीज से बंधी हुई है, जैसे कि ब्रिज, बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे, वो भी ज़्यादा देर तक के लिए इस अर्थ पे नहीं रहेंगे। वो भी थोड़े ना थोड़े टाइम बाद ऊपर आसमान में चले जाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे करते इस दुनिया की सारी चीज़ें ऊपर स्पेस में चली जाएंगी और बचेगा सिर्फ वैक्यूम। अब अगर हम फिजिक्स की नज़रों से देखें तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में कभी ग्रेविटी पॉसिबल ही ना होती, तो इस ब्रह्मांड में हमारी अर्थ भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि नो ग्रेविटी नो मास, तो अर्थ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। अब हम थोड़ा स्पेस लेवल पे जाके देखते हैं कि अगर ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती ही ना तो क्या होता। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये सोलर सिस्टम ना होता, क्योंकि सोलर सिस्टम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ग्रेविटी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड घूम रहे हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो जो हमारा सन है वो भी ना होता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही सन बंधा हुआ है। अगर ग्रेविटी ना होती तो स्टार्स फॉर्म ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ता ही नहीं। अगर ग्रेविटी ना होती तो कोई भी प्लैनेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही प्लैनेट्स इतनी सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं। और इसी लॉजिक से देखा जाए तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारी अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। धीरे धीरे हमारी अर्थ भी छोटे छोटे हिस्सों में टूट कर बिखर जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारी अर्थ रोटेट भी नहीं करेगी, मतलब हमारी अर्थ पे दिन और रात नहीं होंगे। और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जो हमारी अर्थ है वो रेवोल्यूशन भी नहीं करेगी, मतलब वो सन के अराउंड नहीं घूमेगी, जिससे इस अर्थ पे ना ही मौसम बदलेगा, ना ही कोई भी चीज़ बदलेगी, ना ही क्रॉप्स बदलेंगे, और वो सारी चीज़ें भी नहीं होंगी जो मौसम के बदलने से होती है, जैसे कि बरसात। उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो अगर इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो ये ब्रह्मांड ही नहीं हो। और इसीलिए ना हम सोलर सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, ना हम अर्थ के बारे में सोच सकते हैं, ना ही हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सोच सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं अगर ब्रह्मांड में ग्रेविटी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कहा अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये ब्रह्मांड भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ग्रेविटी के बिना ये यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक बाइंडिंग फोर्स है जो सारी चीजों को बांध के रखती है। और अगर हमें ये बात समझनी है कि ग्रेविटी के बिना ये यूनिवर्स पॉसिबल क्यों नहीं होगा, तो हमें इस बात को समझने के लिए 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा बिग बैंग के टाइम में। तो ग्रेविटी एक बाइंडिंग फोर्स है जो कंटिन्यूसली हर एक मैटर को बांध के रखती है। जब द बिग बैंग हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी हर एक डायरेक्शन में फ्लोट कर रही थी, और उसमें से ज्यादातर एनर्जी को ग्रेविटॉन्स, ग्रेविटी के छोटे पार्टिकल जो ग्रेविटी के फोर्स को मेडिटेट करते हैं, ग्रेविटॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जो ग्रेविटी को मेडिटेट करते हैं, मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है उस चीज को मेडिटेट करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। और जितनी भी एनर्जी निकली थी द बिग बैंग से, उसमें से एनर्जी को ग्रेविटॉन्स ने अब्सॉर्ब कर लिया था। अब इससे हुआ क्या, जितनी भी एनर्जी निकली बिग बैंग से, ग्रेविटॉन्स ने उन सारी एनर्जी को सोख लिया। अब वहां पे कोई भी चीज बची नहीं थी, इसीलिए ग्रेविटॉन्स जो पार्टिकल थे वो आपस में बाइंड होने लगे, आपस में मिलने लगे और नए पार्टिकल्स बनाना शुरू हो गए। और उन पार्टिकल में से जो पहला पार्टिकल था उस पार्टिकल को हम आज प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बनने का बाई प्रोडक्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में गलती से मिल जाते हैं तो एक नया पार्टिकल बनता है जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए तो ये स्टेबल नहीं थे, इसीलिए ग्रेविटॉन्स के जो पार्टिकल थे उन पार्टिकल ने इन तीनों को कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे एटम बनाने शुरू कर दिए। इसीलिए हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। और इसलिए मैंने ये बोला कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये ब्रह्मांड पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जो ग्रेविटी है ये हमारे यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कम समझे जाना वाला फोर्स है,
मतलब कि इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और इसे हम इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स मानते हैं। यही एक ऐसा फोर्स है जिसने इस ब्रह्मांड में सारी चीजों का जन्म दिया, जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस के क्लाउड्स, गैसेस, एटम्स, और हमारे एटम के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो पार्टिकल्स भी। अब ये बात जान के आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बोला स्टार्स पॉसिबल नहीं हो पाते ग्रेविटी के कारण। वो इसलिए क्यों, क्योंकि जब स्टार्स के अंदर जो रिएक्शन होते हैं और उस रिएक्शन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और उसके अंदर एक्सप्लोजन होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बहुत ही ज़्यादा तेज टेम्परेचर के साथ बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय पे ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स होता है जो उन सारी चीज़ों को एक स्टार के अंदर बांध के रखती है। और ब्रह्मांड में ग्रेविटी के अलावा तीन और फोर्सेस होते हैं जिनके ना होने से भी ये ब्रह्मांड पॉसिबल नहीं है, और वो तीन फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दरअसल टॉक की अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या होगा अगर इस दुनिया में व्हील्स का इन्वेंशन होता ही ना, तो आज हम क्या कर रहे होते। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो आप दरअसल टॉक को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि आपके फोन में आखिर वायरस आता कैसे है, और अगर आपको बचना है वायरस से आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा अगर हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन को डबल कर दिया जाए 42%, तो आप इस वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।